ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण। विदिशा बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो को ऑक्सीजन प्लांट के वर्चुअल लोकार्पण समारोह में जबरन बुलाकर बैठाले गए मरीज बच्चे और उनके अभिभावक गण दिखाई देते हैं और वे स्वतः संज्ञान लेकर CMHO अखंड प्रताप सिंह को नोटिस जारी करते हैं, लेकिन विदिशा में कार्यक्रम स्थल पर मौजूद CMHO श्री अखंड प्रताप सिंह मीडिया के सामने दावा करते हैं कि वे 3 घंटे से कार्यक्रम स्थल पर मौजूद हैं। उन्हें न मरीज बच्चे दिखाई दिए और न उनके अभिभावक गण। मोतियाबिंद का मरीज भी सामने बैठे मरीज बच्चों और उनके पालकों की उपस्थिति को नकार नहीं सकता। आप विजुअल देखकर खुद निर्णय कीजिए। हम समझते हैं कि डॉक्टर अखंड प्रताप सिंह और अपने आँखों का और दिमाग का इलाज करवाकर फिट सर्टिफिकेट लेने के बाद CMHO की सीट को ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि CMHO का पद काफ़ी महत्वपूर्ण पद है और उसमें दृष्टि और मस्तिष्क से छिन्न व्यक्ति का आसीन रहना अवैधानिक है, खतरनाक है। नीचे कार्यक्रम स्थल के विजुअल दिए गए हैं। उमा शंकर बंटी नगर। आपकी बेटी भी है? हाँ, दोनों बेटी हैं। दोनों बेटी हैं, दोनों भारतीय हैं। दोनों भारतीय हैं। तो आपको किसने भेजा है? कोई गार्ड साहब ने भेजा कल, वो कोई मुख्यमंत्री वगैरह आ रहा है कल, उनको उद्घाटन होगा कुछ, इसलिए 5 कन्या चले गए। तो भारतीय बच्चियों क्यों लेकर आया आपने? वो तो भेजा ना, वो जिनका भी वैक्सीनेशन नहीं हुआ बोला था ना, और कुछ कल उद्घाटन हो रही है तो चलो बच्चियों लेके उधर। वो तो जाने उनके ऊपर है भाई। क्या नाम है आपका? नीला। कहाँ की रहने वाली हूँ? इधर विदिशा। तो अस्पताल में भर्ती हूँ। तो कैसे तबीयत है? ठीक है। तो किसने भेजा है कार्यक्रम में? असिस्टेंट ने। क्या कहा उन्होंने? नीचे बुला रहे, किसी ने फोन लगाया था क्या? बड़ी मैडम को क्या? अब हम पता नहीं है क्या उनसे, तो ये बोला उनको गार्ड भाई आए थे साथ में। हाँ, क्या कहा गार्ड भाई? वो है ना, वो खड़े वो पीछे। उनने क्या कहा? कुछ नहीं, उनने इधर बैठा दिया, हम बैठ गए। जी, आज हमारे यहाँ एक मतलब 1000 लीटर पर मिनट की क्षमता का ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन हुआ है, जो कि NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी लिमिटेड के द्वारा इसका भुगतान किया गया। उन्होंने ये लगाया है उसका उन्होंने, इसी साथ साथ हमारा सिरोंज में भी अमेरिकन इंडियन फाउंडेशन के द्वारा 250 ml कल क्षमता का प्लांट लग दिया गया है और इसका वर्चुअली उद्घाटन CM साहब ने CM हाउस से किया है। सर, जो विदिशा में कार्यक्रम चल रहा था उसी दौरान अस्पताल के जो भर्ती बच्चे थे वो कार्यक्रम में पिछले 2 घंटे से बैठे हुए थे, उन्हें बुलवाया गया था? नहीं, गलत गलत में भगवा भी दिया गया। नहीं, गलत है। 2 घंटे थे क्या? मैं तो 3 घंटे से यहाँ हूँ, मैंने नहीं देखा। आपने देखा ही नहीं? नहीं, मैंने नहीं देखा, मेरी जानकारी भी नहीं है। और कम से कम 2 घंटे तो कोई बीच में आया हो प्रोग्राम चलते में तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन एक आध बच्चा बैठा हो तो ठीक है, लगभग 8-10 बच्चे बैठे हुए। मैं क्या बोलूँ, मैं पिछले 3 घंटे से यही हूँ, लगातार एक एक चीज़ पर नज़र रखूँगी, कोई आखिरी समय में प्रोग्राम देखने आ गया हो तो मैं बता नहीं सकता। आपके कर्मचारी उनको भगा रहे थे? मैंने ये भी नहीं, मैं समझ था आगे था। चलो, धन्यवाद।